अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। दिस इज़ द फिल्टर, सम टाइम कुछ लोग इसको ड्रायर कहते हैं। और प्रॉब्लम देखें कुछ भी नहीं, बस इसका काम होता है ये रेफ्रिजरेटर में से नमी को ख़त्म करता है, और कार्बन फिल्टर वगैरह के अंदर जो कार्बन आ रहा होता है गैस के साथ जो चल रहा होता है, जिसकी वजह से चोकिंग इश्यूज़ आते हैं, तो ये उसको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए और कार्बन को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रायर फिल्टर का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, कॉस्ट वाइज देखा जाए तो इसकी कॉस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पहले 40 रुपये थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, अभी भी आपको 80-100 रुपये, 200 रुपये के दरमियान आपको ये मिल सकता है। लेकिन ये फ़िल्टर सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ आपको रेफ्रिजरेटर के फ़िल्टर की प्राइस बता रहा हूँ। ठीक है, जितना बड़ा सिस्टम होता है उसकी प्राइस उस तरह इंक्रीज़ होती है, और वक्त के साथ साथ प्राइस बढ़ती भी है घटती भी है, तो हर वक्त आपको अलग प्राइस इसकी मिलेगी। ठीक है, हमारी मज़ीद इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और हमेशा सच बोलो।